कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद परिवहन विभाग के द्वारा राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है। राजधानी के जिला परिवहन कार्यालय में भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अधिकारी खुद सभी कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए स्लॉट की बुकिंग और ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी प्रवीण प्रकाश ने बताया कि कोरोना की वजह से काम बहुत प्रभावित हो गया था, तो हम लोगों ने इसको तत्काल प्रभाव से स्टार्ट किया, क्योंकि कोविड का भी संक्रमण अभी है, काफ़ी तेज़ी से फैला था और अभी मामले कम हुए हैं, लेकिन हम लोगों को उससे परहेज करना है। तो हम लोगों ने शुरुआती दौर पर अभी ड्राइविंग लाइसेंस के 50 स्लॉट रखे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के 80 स्लॉट रखे हैं। 80 का मतलब है लगभग, क्योंकि दोनों व्हीकल्स का होता है, तो लगभग 50% उसमें भी लगभग 50-50 का हम लोगों ने शुरुआती तौर पर रखा है, क्योंकि वो संक्रमण को देखते हुए हम लोगों ने एहतियात के तौर पर इतना कार्य स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं, अगर स्थिति ठीक रहेगी तो हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे, अदरवाइज उसी स्पीड से हम, क्योंकि लोगों को काफ़ी आवश्यकताएँ, काफ़ी फोन्स आ रहे थे, काफ़ी लोगों की आवश्यकताएँ हैं डीएल के लिए, तो हम लोगों ने इसको प्रक्रिया भी सामान्य तौर पर स्टार्ट किया। ड्राइविंग लाइसेंस की जो टेस्ट की व्यवस्था है वो, हाँ उसी की व्यवस्था शुरू कीजिए। पहले रिन्यूअल और बाकी जितने काम हैं वो तो हो ही रहे थे, लेकिन जो टेस्टिंग की प्रक्रिया थी, क्योंकि वो लोग आते हैं, कहीं भी एक भीड़ जमा होती है, तो उसके लिए वो बंद किया गया था विभाग की ओर से। विभाग की ओर से जो पुनः चिट्ठी दिया गया था, हम लोगों ने उसको प्रारंभ किया। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिला कार्यालय पहुँचे लोगों ने भी कोरोना काल में हुई समस्याओं को सामने रखा। मेरा काम खुद बाधित हुआ है, हम चॉइस नंबर के लिए हम बैंक से NEFT किए थे पैसा, और फिर वापस रांची DTO का AS फिर मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ गया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, आज हम आए हैं तो पता चल रहा है कि 3,000 रुपया फाइन कर दिए। अब लॉकडाउन में फाइन करेंगे तो कैसे होगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।